आज अपन आपूर्तिकर्ता के चयन में ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में अध्ययन करेंगे कि किसी भी आपूर्तिकर्ता चयन करते समय कौन सी बातें हैं जिनका अपन को ध्यान रखना चाहिए। फैक्टर्स गाइडिंग सिलेक्शन ऑफ सप्लायर ओब्लिक वेंडर। आपूर्तिकर्ताओं के चयन में निम्नांकित घटकों में बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहली, आपूर्तिकर्ता की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ सप्लायर्स। आपूर्तिकर्ता के चयन में उसकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्व रखती है। भौगोलिक स्थिति का सामग्री की प्रभिन्न लागत पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त दुर्घटना, प्राकृतिक कठिनाई, यथा बाढ़, भूकंप आदि, हड़ताल, अपर्याप्त परिवहन साधन, आपूर्तिकर्ता से संपर्क में कठिनाई के कारण भी दुरुस्त आपूर्तिकर्ता का चयन करना महंगा पड़ सकता है। दूर से सामग्री आने पर सामग्री का अकर्ता समय बढ़ जाता है, लीड टाइम ज़्यादा लगता है, फलतः सामग्री का स्टॉक अधिक रखना पड़ता है, अतः सामग्री की लागतें बढ़ जाती है तथा अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता भी होती है। इन सभी कारणों से आपूर्तिकर्ताओं का चयन करते समय भौगोलिक दूरी को ध्यान में रखना पड़ता है। उत्पादन सुविधाएं, दूसरा बिंदु है उत्पादन सुविधाएं, प्रोडक्शन फैसिलिटीज। आपूर्तिकर्ता का चयन करते समय उसकी उत्पादन सुविधाओं को भी ध्यान रखना पड़ता है। ये घटक तब ध्यान में रखना आवश्यक होता है जबकि सामग्री निर्माता से खरीदनी हो। उत्पादन की पर्याप्त सुविधाएं होने पर ही आपूर्तिकर्ता यथासमय सही मात्रा में सामग्री की आपूर्ति कर सकेगा। कभी कभी कुछ सामग्री की मांग मौसमी होती है। मौसम के आने तथा जाने के साथ सामग्री की मांग में वृद्धि या कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में उत्पाद सुविधाओं की लोशीलता तथा आरक्षित उत्पादन सुविधाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। इनके अतिरिक्त उसकी उत्पादन क्षमता के तकनीकी पक्ष का भी आकलन भी कर लेना चाहिए। आंतरिक सुविधाएं, इंटरनल फैसिलिटीज। सामग्री के आपूर्तिकर्ता के चयन में उसकी आंतरिक सुविधाओं पर भी विचार करना चाहिए। पर्याप्त आंतरिक सुविधाओं के होने पर ही सामग्री सही किस्म मात्रा में यथासमय आपूर्ति संभव हो सकती है। आंतरिक सुविधाओं में सामान्यतः निम्नलिखित सुविधाएं सम्मिलित की जा सकती है। आपूर्तिकर्ता की शोध विकास की क्षमता, आपूर्तिकर्ता की नवीनीकरण या खोज करने की भावना एवं क्षमता, आपूर्तिकर्ता की किस्म नियंत्रण निरीक्षण की व्यवस्था, आपूर्तिकर्ता के संयंत्र देखरेख एवं आधुनिकरण की व्यवस्था इत्यादि। चौथा है संयंत्र की तकनीक, प्लांट टेक्नोलॉजी। आपूर्तिकर्ता चयन में उसके संयंत्र की तकनीक का विश्लेषण भी कर लेना चाहिए। ऐसा करने हेतु तकनीकी विशेषज्ञ की मदद ले लेनी चाहिए। इस हेतु विषय विशेषज्ञ के साथ इस हेतु विशेषज्ञ के साथ संयंत्र का दौरा कर लेना चाहिए। इस दौरान संयंत्र तकनीक के प्रबंध की ज्ञान तथा अन्य सुविधाओं, संयंत्र की देखरेख व्यवस्था, कर्मचारी योग्यता क्षमताओं, आदेश प्राप्ति से सामग्री की आपूर्ति तक की प्रक्रिया के संयंत्र में व्यवस्था, प्रमापीकरण का स्तर इत्यादि पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। पांचवा घटक है प्रबंध के नीतियां एवं व्यवहार, मैनेजर पॉलिसीज एंड बिहेवियर। सामग्री के आपूर्तिकर्ता के चयन में ये बात भी ध्यान में रखनी बहुत आवश्यक है कि उसकी प्रबंध की नीतियां तथा व्यवहार कैसा है। व्यवहारिक एवं विकास उन्मुख प्रबंध के नीतियां तथा सद व्यवहार वाले आपूर्तिकर्ता ही चुने जाने चाहिए। जिन नीतियां व्यवहार लोशील एवं समरूप नहीं हो उनको सामग्री की आपूर्ति के लिए नहीं चुनना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर उनसे कभी भी अच्छे संबंध बनाए रखना संभव नहीं होता है। छठा बात है श्रम संबंध, लेबर रिलेशंस। कोई भी आपूर्तिकर्ता तभी यथासमय निरंतर आपूर्ति कर सकता है जबकि उसके अपने कर्मचारियों से मधुर संबंध हो। अतः आपूर्तिकर्ता के चयन से पूर्व उसके श्रम संबंध की जानकारी भी कर लेनी चाहिए। इस हेतु निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपूर्तिकर्ता की सेवा नीति, आपूर्तिकर्ता की पारिश्रमिक नीति और भुगतान व्यवस्था, कर्मचारियों पर लागू की गई प्रेरणात्मक वेतन मजदूरी योजनाएं, नेतृत्व नीतियां तथा निरीक्षण की तरीके, कार्य की दशाएं, संयंत्र में सुरक्षा व्यवस्था तथा वातावरण, आपूर्तिकर्ता श्रम संबंधों का इतिहास आदि बातें। सातवीं बात है साख एवं वित्तीय स्थिति, क्रेडिट एंड फाइनेंशियल पोजिशन। आपूर्तिकर्ता के चयन से पूर्व उसकी बाजार में साख एवं वित्तीय स्थिति का अध्ययन भी कर लेना चाहिए। मजबूत वित्तीय स्थिति वाला आपूर्तिकर्ता ही सामग्री की यथासमय निरंतर आपूर्ति कर सकता है। साख एवं वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने के लिए उसके वित्तीय विवरणों लेखा का विश्लेषण किया जा सकता है। इस हेतु अनुपातों का विश्लेषण, नगद प्रवाह विश्लेषण, लाभ हानि खाते का अध्ययन करना पड़ता है।
किंतु ये तभी संभव है जबकि आपूर्तिकर्ता कंपनी हो तथा उसके लेखे प्रकाशित हो। अन्य प्रकार के आपूर्तिकर्ताओं की दशा में तो बैंकों या अन्य व्यापारिक क्षेत्र से पूछताछ से ही साफ वित्तीय स्थिति ज्ञान हो सकता। अब आठवीं बात है सामग्री किस्म में एकरूपता। सामग्री किस्म में एकरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी इन इक्वालिटी ऑफ मेटेरियल्स। सामग्री की सही किस्म राइट क्वालिटी अंतिम उत्पाद की किस्म को स्वाभाविक रूप से प्रभावित करती है। अतः आपूर्तिकर्ता का चयन करते समय इस बात पर ध्यान देना परम आवश्यक है कि आपूर्तिकर्ता सदैव एक समान सही किस्म की सामग्री आपूर्ति कर सकेगा अथवा नहीं। प्रायः आपूर्तिकर्ता सही मूल्य सही समय एवं सही स्थान पर सामग्री आपूर्ति कर देते हैं किंतु सही किस्म की सामग्री की आपूर्ति नहीं कर पाते हैं। कुछ आपूर्तिकर्ता सामग्री कभी बहुत अच्छी किस्म की तो कभी बहुत घटिया किस्म की आपूर्ति करते हैं किंतु सही किस्म की एक समान प्रकार की सामग्री आपूर्ति नहीं कर पाते हैं। ऐसे आपूर्तिकर्ता का चयन करने से कोई लाभ नहीं होता है। अतः ऐसे आपूर्तिकर्ता चयन करना चाहिए जो सही किस्म का अर्थ एवं महत्व समझता हो तथा उस पर अमल कर आपूर्ति कर सकता हो। नौवा बात है संस्था का आकार, साइज ऑफ द फर्म। आपूर्तिकर्ताओं की जब खोज की जाती है तो उसमें छोटे मध्यम आकार के तथा वृहद स्तरीय सभी प्रकार सामने आते हैं। सभी आकार के आपूर्तिकर्ता सामग्री आपूर्ति करते हैं किंतु क्रय प्रबंधक को अपनी सुविधा के अनुसार ही उनमें से किसी का चयन करना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में बड़े आकार के आपूर्ति अधिक महत्वपूर्ण और लाभदायी होते हैं किंतु कुछ अन्य परिस्थितियों में छोटे या मध्यम स्तर के आपूर्तिकर्ता सुविधाकारी होते हैं। अतः उनके उन दोषों का तुलना अध्ययन करने के बाद ही आपूर्तिकर्ता चयन करना चाहिए। निर्माता या वितरक, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। आपूर्तिकर्ता का चयन करते समय इस बात पर विचार करना चाहिए कि सामग्री सीधे निर्माता से करे की जाए या किसी वितरक या स्टोर से। वितरकों से प्रत्येक संपर्क होना आसान होता है तथा उसमें साफ सुविधाएं भी मिल जाती है किंतु उनका मूल्य बाय प्राय निर्माताओं की तुलना में अधिक होता है। दूसरी ओर निर्माताओं से सामग्री अपेक्षाकृत कम मूल्य पर मिल जाती है। व्यापारी के नगद छूट भी मिल जाती है। भारी मात्रा में भी सामग्री तत्काल या यथासमय उपलब्ध हो जाती है। ग्यारहवा बात है स्वदेशी या विदेशी आपूर्तिकर्ता, इंडिजिनस और फॉरेन सप्लायर। सामग्री चाहे विदेशी हो या स्वदेशी, सभी के आपूर्तिकर्ता सर्वत्र उपलब्ध है। क्रय प्रबंधक को यह निर्धारित करना पड़ता है कि सामग्री आपूर्ति स्वदेशी आपूर्तिकर्ता से ही प्राप्त की जाए अथवा विदेशों से। स्वदेशी आपूर्तिकर्ता की दशा में सामग्री का मूल्य देशी मुद्रा में चुकाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सामग्री की आपूर्ति अपेक्षाकृत शीघ्र हो जाती है। फलत कार्यशील पूंजी की भी कम आवश्यकता पड़ती है। आपूर्तिकर्ता से प्रत्येक संपर्क का लाभ भी मिल जाता है। आपसी विवाद की दशा में उनका निपटारा आसानी से हो जाता है। विदेशी आपूर्तिकर्ता से ये अपूर्त लाभ तो सामर्थ्य नहीं मिल पाते हैं किंतु सामग्री सस्ती मिल जाती है। कई बार विकसित देशों में परमापित और तकनीक दृष्टि से श्रेष्ठ सामग्री भी उपलब्ध हो जाती है किंतु सुपुर्दगी में समय अधिक लगता है, पूंजी अधिक लगती है तथा प्राय विदेशी मुद्रा भी भुगतान करना पड़ता है। यद्यपि वर्तमान युग में आयात निर्यात नियम सभी देशों में उधार हो चुके हैं किंतु बिल्कुल समाप्त नहीं हुए हैं। फलत सामग्री आयात करने हेतु अनेक औपचारिकताएं भी करनी पड़ती है। अतः आपूर्तिकर्ताओं को इन दोनों ही विकल्पों में से एक का चयन उनके गुण दोषों के आधार पर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट बात है एकल या अनेक आपूर्तिकर्ता, सिंगल और मल्टीपल सप्लायर्स। क्रय प्रबंधक को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि आपूर्तिकर्ता एक ही हो या अनेक हो। जब एक ही आपूर्तिकर्ता निर्भर हो जाता है तो वह कभी कभी मनमानी भी करने लगता है। आपूर्तिकर्ता के मूल्य, समय, किस्म, सुपुर्दगी, स्थान तथा अन्य सभी बातों पर एकाकी स्थिति का कभी कभी दुष्प्रभाव होने लगता है किंतु एक से अधिक आपूर्तिकर्ता होने पर उन सभी के बीच प्रतिस्पर्धा रहती है। फलत सभी आपूर्तिकर्ता सही किस्म एवं सही मूल्य की सामग्री सही समय पर आपूर्ति करने हेतु बाध्य होते हैं किंतु इन दोनों किस्मों में से विकल्पों में से किसी एक का चयन करने में संस्था की प्रस्तुत दुविधा में रहना होगा। यानी दोनों जो ऑप्शन है एकल या अनेक आपूर्तिकर्ता, उनको अपनी संस्था अपने परिस्थिति के अनुसार उनमें से उसी विकल्प का चयन कर सकती है। इस प्रकार अपनी आज आपूर्तिकर्ता के चयन में ध्यान रखने की बातों का अध्ययन किया है। अब अपन पढ़ेंगे सरकारी खरीद आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय गवर्नमेंट परचेजिंग। जो पहले ये सरकारी मंत्रालय विभागों में सामग्री की खरीद की प्रक्रिया विधि निजी संस्थाओं में से कुछ भिन्न होती थी। इसका कारण यह था कि सरकारी खरीद पूर्णतः नियमों कानूनी प्रावधानों के अधीन करनी होती थी। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति खरीद करते हैं उनकी सारी जवाबदारी भी होती थी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी
होती है। ऐसी औपचारिकताओं के कारण सरकारी खरीद को व्यवस्थित एवं आसान बनाए रखने के लिए एक केंद्र संस्था का गठन किया गया था। इस संस्था का नाम था आपूर्ति निपटान महानिदेशालय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लायर्स सप्लाईज एंड डिस्पोजल, यानी शॉर्ट नाम था DGSND के नाम से जाना जाता था। इसका महानिदेशक इसके कार्य संचालन हेतु उत्तरदायी होता था। वर्तमान में निदेशालय भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय से संबंध है। इस महानिदेशक अपनी यानी वर्तमान में सरकार की इसकी जगह जेम आ गया, जेम जिसका शॉर्ट नाम है जेम। उसके अनुसार क्या होता है, जेम का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इस अब सरकारी खरीद जेम के माध्यम से की जाती है, सरकारी ई बाजार, इसका नाम है जेम का सरकारी ई बाजार, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। भारत सरकार द्वारा सचिवों के समूह की सिफारिश के आधार पर सरकारी ई बाजार का गठन किया गया, जहां से विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आवश्यक सामग्री उपयोग के सामानों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की जा सके। नियंत्रक देश है भारत, मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार, निदेशक मंडल में 5 सदस्य होते हैं। उद्देश्य क्या है, जेम का सरकारी विभागों द्वारा ऑनलाइन खरीद पारदर्शिता व डिजिटल भारत को प्रोत्साहन करना। गठन तथा उद्देश्य, सरकारी ई बाजार के गठन का लक्ष्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता दक्षता और गति को बढ़ाना है। ये सरकारी उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए ही ई बोली प्रक्रिया, रिवर्स ई नीलामी और मांग एकत्रीकरण के उपकरण प्रदान करता है और सरकारी खर्चे के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करता है। भारत सरकार व्यापार का आवंटन नियम 1961 में सुधार करते हुए दिनांक 8 दिसंबर 2017 की अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल सरकार ई बाजार का विकास संचालन रखरखाव को सम्मिलित किया गया है। सरकारी उपयोगकर्ताओं को सरकारी ई बाजार के माध्यम से खरीदारियों के लिए अधिकृत किया गया है और वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य वित्तीय नियम 2017 में एक नया नियम संख्या 149 जोड़कर अनिवार्य बना दिया है। नियम संख्या 149 जोड़कर अनिवार्य बना दिया गया है। दृष्टिकोण क्या है इसका, सार्वजनिक खरीद को असरकारी बनाने के लिए असरकारी क्षेत्र सार्वजनिक खरीद को असरकारी बनाने के लिए कुशल पारदर्शी और समावेशी बाजार को बढ़ावा देना है। उद्देश्य क्या है इसका, व्यापार परिवर्तन और सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए एकीकृत खरीद नीति का निर्माण, निरंतर नवाचार और नवाचार संचालन निर्णय लेने में सक्षम एक मुस्तैद गतिशील संगठन स्थापित करना, खरीद में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग में आसान पूर्ण तरह से शौचालय मंच बनाना, सही मूल्य पर सही गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु महत्व की प्रदर्शन सभी हितधारकों को सुनिश्चित करने और भारत में समावेशी विकास के लिए एक स्थायी पारितंत्र बनाना। मान्यताएं क्या है, प्रतिबद्धता, जिम्मेदारी, स्वामित्व, जवाबदेही, पारदर्शिता और अखंडता, सामाजिक समावेश, संलग्न के लिए परिवर्तन, बांटने और बड़ा सोचे, इसी आधार पर जेम प्रोटोकॉल अपना कार्य करता है। भारत सरकार व्यवसाय का आमंत्रण नियम 1961 की अधिसूचना दिनांक 8 दिसंबर 2017 प्राधिकार से प्रकाशित 12 दिसंबर 2017 को किया गया है। प्रविष्टि 32 के स्थान पर राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल का विकास संचालन और रखरखाव सरकारी ई मार्केट प्लेस किया गया है, जेम सरकारी उपयोगकर्ताओं द्वारा जी ई एम के माध्यम से खरीद को सामान्य वित्तीय नियमों 2017 में नया नियम क्रमांक 149 जोड़कर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिकृत और अनिवार्य किया गया है। इस प्रकार आजकल सरकारी खरीद के लिए जेम का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।